Sip your chai. You got nothing to hide. Yeah, your future's so bright. So just smile like there's no one watching. Early morning on a Saturday. Wake up, time to get it started. No one's gonna get in your way. No one's gonna leave you broken hearted. You don't need nobody. हेलो एवरीवन, कहो कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे से होंगे। सो गाइस, मैं वापस आ चुकी हूँ घर और आज से जो मेरा डेली ब्लॉग होता है वो आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और बहुत सारे ब्लॉग हैं वहाँ के भी जो मैं एडिट नहीं करी हूँ। और ये देखो आज मैं हेयर का क्या स्टाइल बनाई हूँ बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा लग रहा है ना। एक्चुअली मैं हेयर वॉश करी थी आते ही, तो सबसे पहले मैं शावर दी हूँ, हेयर वॉश करी हूँ, हेयर को ड्राई करी हूँ। यार बहुत आते ही काम हो जाते हैं, तो सबसे पहले तो शावर देना बहुत मस्ट हो जाता है, क्योंकि लॉन्ग ट्रैवल करो ना तो आपको सबसे पहले जो होता है ना घर आके शावर लो। तो सबसे पहले मैं शावर दी हूँ, हेयर वॉश करी हूँ, बेड शीट चेंज करी हूँ, बहुत सारे काम थे यार आते ही। तो सब कुछ करके हेयर ड्राई भी हो गया है और हेयर का मैं स्टाइल भी बना ली हूँ इस तरीके से। तो आ गई हूँ मैं, सबसे पहले पीऊँगी अभी एक कप कॉफ़ी, चाय नहीं, क्योंकि चाय पी पी के मैं पक गई हूँ, मुझे पीनी है अभी कॉफ़ी। तो अपने लिए कॉफ़ी बनाऊंगी। और मैं ना मिल्क सुबह ही बोल दी थी सामने वाली जो आंटी है ना उसको रख देने के लिए, एक्चुअली दे गया था बट मैं थी नहीं घर पे तो वो फट जाता, तो सामने वाली आंटी को मैं बोली थी उठा के रख देने के लिए, तो वो रख दी थी फ्रिज में। तो मैं मिल्क भी उनसे लेके आई हूँ और यहाँ बनाऊंगी, दही बनाना है तो दही के लिए डाल दी हूँ एक साइड मिल्क और एक साइड डाल दी हूँ मिल्क बॉयल कर दी हूँ। और अभी बनाऊंगी कॉफ़ी गर्मा गर्म। तो हस्बैंड को तो पीने का मन नहीं था कॉफ़ी, बट मैं बोलूँगी जो पी लो, ये देखो नेस्कैफे, कौन कौन पीते हो आप लोगों से नेस्कैफे बताना ज़रूर। तो हस्बैंड को पीने का मन नहीं था बट मैं बोली थोड़ा सा पी लोगे ना तो मूड फ्रेश हो जाएगा। और मुझे तो चाय कॉफ़ी हो गॉड कहीं से आते ही चाहिए, बट आज ना चाय पीने का पता नहीं क्यों बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, हो रहा था कि कॉफ़ी ही पीऊँ। और यार इतने दिन का जो ट्रैवलिंग था ना, मैं थक गई हूँ, पूरे से पूरे थक गई हूँ, होता है कितना रेस्ट करूँ, बट मैं बोली नहीं आते ही मुझे ब्लॉग स्टार्ट करना है, क्योंकि ना डेली ब्लॉगिंग की बात ही अलग होती है यार। तो मैं ये डाल दी हूँ मिल्क, डाल दी हूँ शुगर, डाल दी हूँ कॉफ़ी, डाल दी हूँ और इसे अच्छी तरीके से व्हिट कर दी हूँ। और सिंपल सा कॉफ़ी बनाई हूँ यार, कुछ तामझाम नहीं है ये। और थोड़ा सा हस्बैंड के लिए भी बना दी हूँ, तो वो भी शावर दे के आ गए हैं और मैं भी शावर दे के आ गई हूँ। यार शावर दे लो ना तो बहुत ही मूड फ्रेश होता है। और इतना अच्छा ट्रिप रहा ना यार, बोलते ना सडनली प्लान बना और निकल जाना, वही हम सडनली प्लान बना और हम निकल गए, बट ना ट्रिप बहुत अच्छा रहा। तो जब कहीं बाहर से हम आते हैं ना, तो या तो एक कप गर्मा गर्म चाय या कॉफ़ी पी दो तो एक एनर्जी सी मिल जाती है हमें, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। और ये देखो जितने सारे प्लांट्स हैं ना, एक भी येलो नहीं पड़े हैं, एक छोटा सा लीफ येलो हो गया है। तो किस तरीके से मैं प्लांट्स का केयर करती हूँ ना कहीं बाहर जाते टाइम, तो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि लॉन्ग टाइम कैसे चलेगा आपका प्लांट अगर कहीं आप बाहर जा रहे हो। तो चलिए आप लोगों से बात करते करते मेरी चाय भी खत्म हो गई और एक कप कॉफ़ी पी ली हूँ ना, अब मेरा मूड फ्रेश हो गया और सारे काम मेरे घर के फटाफट हो जाएंगे। तो बाहर का नज़ारा देख रही थी कि बाहर का क्या हाल है, ठीक है यार बहुत दिनों बाद देखी हूँ। तो चलिए सबको काम कर देती हूँ और कहीं बाहर जाओ ना यार, तो इतना मतलब हो जाता है ना घर में ऐसे कि क्या बताऊँ। तो सभी मुझे अभी समेटना है, ये देखो मेरे हेयर भी खुल गए तो मुझे ना आज ना अपना हेयर स्टाइल बहुत क्यूट सा लगा है। तो मेरा घर भी इतना फैल गया है ना कि कहीं जब आप जाओ ना और पैकिंग करो, खास करके पैकिंग। और क्या था ना, जितना भी विंटर का कपड़ा था ना उस सबको मैं अंदर रख देती थी, मतलब रख दी थी अच्छे तरीके से, तो उस सबको निकालती हूँ, पूरा घर फैलाती हूँ। और जितने सारे बर्तन दिखे ना आप लोगों को वो सब मैं अभी वॉश करी हूँ, क्योंकि ना बहुत सारे बर्तन हो गए थे यार। और ये सब गेस्ट आए थे जिस दिन मैं निकली ना, उससे एक दिन पहले गेस्ट आए थे मेरे यहाँ, तो आप लोगों के साथ ना मैं ब्लॉग भी शेयर करी थी। नहीं वो गेस्ट वाली ब्लॉग सॉरी मैं नहीं बनाई उस दिन, क्योंकि ना मैं अकेले ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ यार। जब कोई गेस्ट आते हैं घर पे तो ये सारे जितने क्रॉकरी है ना ये सभी बाहर निकले हुए हैं, तो इस सबको भी वॉश तो मैं उसी दिन करवा रही थी, उस दिन आई थी मेरी हॉस्टल पर, तो उस दिन वॉश करके वो अच्छी तरीके से ढक के गई है, लेकिन तो बहुत अच्छी तरीके से ढकती है, सब ड्राई हो गया, इस सबको भी जगह पर लगाना है। तो कहीं बाहर जाओ ना यार, आते ही ना घर इतना बिखेरा होता है ना कि सबको समेटना सबको। और मेरी ऐसी हैबिट है कि मैं कहीं से आऊँ जाऊँ जो भी
घर का काम मुझे करना ही है, चाहे मैं कितनी भी टायर्ड हूँ, वो सबको मैं समेटूंगी तभी मैं कुछ करूंगी। तो ये जितने सारे बर्तन है ना, और ये कुकर भी मैं निकाली थी उसी दिन, बड़ी वाली कुकर आप लोगों के साथ मैंने शायद ना शेयर करी थी, जो मम्मी दी थी ना मुझे कुकर, वही वाली ये कुकर थी। तो मैं ना कल फर्स्ट टाइम कल बोल रही हूँ, मतलब उस दिन ना मैं फर्स्ट टाइम यूज करी थी। तो बहुत सारे गेस्ट आ गए थे ना, जब बहुत सारे गेस्ट आते हैं ना तो 5 लीटर का कुकर है यार, हम दो में तो बहुत बड़ा हो जाता है, जब कोई गेस्ट आता है ना तभी मैं इस कुकर को निकालती हूँ। तो ये बर्तन भी ना सभी अभी आके मैं वॉश करी हूँ, तो इस बर्तन को भी जगह पे लगा दूंगी। और बाकी ना बहुत सारे काम है यार, लगता है मुझे ना कैसे निपटाऊँ, बट मैं अभी निपटा के हाफ जो है ना उसको तो मैं अभी निपटा के तभी जाऊँगी मैं सोने के लिए, नहीं तो ना सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। और ना उसको हाउस हेल्पर को भी मैं फ़ोन करी थी ना, वो भी बेचारी छुट्टी पे है, वो उसको लगा कि मैं बोल दी थी कि मैं जब आऊँगी मैं कॉल कर दूँगी तुम आना, तो मैं कॉल करी जब मैं आ रही थी ना रास्ते से उसको कॉल करी, तो पता चला कि वो भी 2 दिन के लिए बाहर गई हुई है। तो कोई नहीं यार, मैं खुद ही समेट लूँगी, तो जितना कर देती है ना वही बहुत है मेरे लिए। तो कहीं से आओ ना तो घर पूरा फैला होता है, तो सबको समेटो, सबको जगह पर लगाओ। और मुझे अभी बनानी है डिनर, क्योंकि ना बाहर का खाना खा खा के मैं पक गई हूँ यार, अभी बिल्कुल कुछ भी बाहर का मुँह में देने का मन नहीं करता है इतना, क्योंकि ना घर का खाना यार, दाल रोटी भी खाओ ना तो घर का खाना होता है। तो अभी बोल रहे थे हस्बैंड की बहुत थकी हुई हो, तो मैं ऐसा करता हूँ कि ऑर्डर कर देता हूँ, बट नहीं मैं जो भी बनाऊँगी ना अभी घर पर बनाऊँगी, भले मैं रोटी के साथ अचार के साथ खा लूँ बट मैं खाऊँगी घर पर ही। तो आते ही मैं सबसे पहले ना किचन को क्लीन करी हूँ, उसके बाद अब बनाऊंगी मैं डिनर। और डिनर में ना आज मैं बनाऊंगी रोटी और सब्जी बनाऊँ, कुछ ज़्यादा नहीं बनाऊँ, क्योंकि ना एकदम भी सिंपल खाना खाने का मन हो रहा है और मुझे थोड़ी सी भी भूख लग गई है। तो पहले मैं आटा मिला के रख दूंगी, नहीं तो रोटी बना के ही रख दूंगी, उसके बाद मैं कुछ खाने को भी बनाऊंगी। तो यार कहीं जाओ ना तो उसके बाद ऐसा, मतलब क्या बोलूँ कि सब कुछ ना आपका जो शेड्यूल होता है ना, जो जैसे मेरा इवनिंग का काम होता है मैं इस तरीके से निपटाती हूँ, और आज ना मेरा बिल्कुल ही चेंज हो गया है, क्योंकि आई हूँ लेट से, उसका सावर देना, बेडशीट चेंज करना, थोड़ा सा बेडरूम को क्लीन करना, बाकी रूम तो मैं क्लीन नहीं करी हूँ ज़्यादा, बस बेडरूम को बेडशीट सब चेंज कर दी हूँ और यहाँ किचन क्लीन कर दी हूँ। और आज मुझे ना लगता है किचन में ही टाइम जाने वाला है, बहुत टायर्ड हो गई हूँ यार, बट ना किचन को पहले मैं क्लीन करी हूँ पूरा, उसके बाद आई हूँ, क्योंकि मुझे डिनर बनाना है आज घर पे। जितनी भी टायर्ड हूँ ना कहीं बाहर से आती हूँ, घर का ही खाना अच्छा लगता है। तो चलिए मैं रोटी बना लेती हूँ और फिर बातें करती हूँ। और हाँ, आप लोगों से जो भी मेरे चैनल पर न्यू होंगे, जो इस ब्लॉग को थोड़ी सी पसंद कर रहे होंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, और साइड में दिया हुआ बेल आइकन भी प्रेस करके रखना, ताकि फ्यूचर में जितना वीडियो अपलोड करूँ ना उसका नोटिफिकेशन आप लोग को इजीली मिले और आप लोग मेरे वीडियो को इजीली वॉच कर सकें। सो गाइस चलिए रोटी बना लेती हूँ, उसका सब्जी क्या बनाऊंगी ना सोचना पड़ेगा, क्योंकि ना मुझे भूख भी लगी है, तो रोटी बना के रख दूंगी, उसके बाद कुछ खाने को बनाऊंगी। अभी फिलहाल मुझे भूख लगी है, उसके लिए कुछ इंतजाम करूंगी। तो चलिए बना लेती हूँ रोटी, फिर बातें करती हूँ। Myself, know I need to get some help, hoping you could save me, baby. Put our pictures on the shelf, swore I'm over you. Oh. तो मैं आते ही ना बहुत सारे काम निपटा दी, जैसे बेड क्लीन करना, कपड़े को ना मशीन में लगाना, बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं यार, उसको भी बारी बारी से धोना पड़ेगा, तो कुछ कपड़े मैं अभी मशीन में लगा दी हूँ और कुछ अब सुबह करूँगी। तो जितना हो सकता है ना मैं आते ही काम को निपटाना चाहती रहती हूँ, कि आते ही काम जल्दी से ख़त्म हो जाएगा ना, कोई भी काम आप छोड़ दो ना कल करेंगे तो वो काम ना बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ जाता है, तो उससे अच्छा जैसे ही आओ ऐसे ही काम पे लग जाओ यार, क्योंकि ना घर का काम कभी ख़त्म होने वाला नहीं होता है। तो मैं किचन को भी क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि रोटी बनाई थी ना बहुत सारे क्या बोलते हैं आटा गिर जाता है ना, जो बर्तन हम लगाते हैं वो गिर जाता है, तो मैं किचन को क्लीन कर दी थी, जो बर्तन गिरे हुए थे उस सबको हटाती हूँ। अभी बनाऊँगी ब्रेड और ऑमलेट, देखिए तो ब्रेड था रखा हुआ फ्रिज में, और ब्रेड ऑमलेट बनाऊँगी, क्योंकि ना मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, और मैं ये भी नहीं देखी कि ब्रेड के साथ ना कुछ और भी हो सकता है, जैसे फटाफट में चाय बना लेती, बट मैं बोली नहीं चलो ब्रेड ऑमलेट ही बनाऊंगी, क्योंकि मुझे ना ब्रेड ना चाय के साथ ही बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा उसको ना मैं वो रोस्ट कर दूँ ना ब्रेड को, तो क्रंची हो जाता है और चाय के साथ बहुत अच्छी लगती है, बट उसमें टाइम लगता है। तो मैं सोची सबसे मतलब जल्दी बनने वाला है ना वो ब्रेड ऑमलेट है, तो मैं फटाफट अभी ब्रेड ऑमलेट बनाऊंगी, पहले खाऊंगी उसके बाद मैं कुछ काम करूंगी, क्योंकि ना पेट खाली हो जाता है तो एसिडिटी भी होने का चांस रहता है। तो ऐसे ही मैं आती तो सबसे पहले कॉफ़ी पी ली, जो मैं गलत करी कि आते ही मुझे कुछ खाना था, उसके बाद कॉफ़ी पीती,
बट यार कॉफ़ी पी देती हूँ ना तो मुझे एनर्जी मिल जाती है, चाय पी दो कॉफ़ी पी दो तो एनर्जी मिल जाती है और काम में मतलब काम में लगना ना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जब तक चाय या कॉफ़ी ना पीऊँ ना आते ही मुझे ना कुछ काम करने का मन नहीं होता रहता है। तो इसलिए मैं खाली पेट तो था यार, नहीं पीना था बट मैं पी दी और अभी मैं खा लूँगी ब्रेड ऑमलेट, क्योंकि ना बहुत तेज़ भूख लग रही है और रास्ते में ना खाते पीते आई थी बट ना घर आके जो शावर दी ना, शावर देने के बाद तो ऐसे ही भूख तेज़ हो जाती है। तो मैं ऑमलेट डाल सॉरी अंडा डाल दी हूँ इस पर और इसमें डाल दी हूँ थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ और थोड़ा सा डाल दूंगी ब्लैक पेपर पाउडर। तो क्या मैं बोल रही ना, मुझे भी वॉइस ओवर करते टाइम पता नहीं। सो गाइस, तो जो भी हो अच्छा लगता है, कहीं भी जाओ बाहर घूमने के लिए तो मूड ना बहुत फ्रेश हो जाता है, बट जब घर आओ वापस ना तो घर को देख के ना मूड जो फ्रेश होता है सब डाउन हो जाता है, इतना फैल जाता है ना, क्योंकि अभी विंटर का सब जितना भी ड्रेस था ना मुझे लेके जाना था, क्योंकि हम गए थे हिमाचल साइड में और पता ही है वहाँ तो कितनी ठंड पड़ती है, और हिमाचल से बोले ना हिमाचल हिमाचल से आगे भी कितने आगे हम गए थे क्या बताऊँ यार। आप लोगों को ब्लॉग मिलेगा, आप लोग एक एक करके ब्लॉग देखना, बहुत ही अच्छी जगह है यार मैं जहाँ गई थी, और आप लोग भी ब्लॉग के थ्रू देख लेना। बहुत सारे ऐसे हैं कि गए होंगे क्योंकि पास में ही पड़ता है यहाँ से, और बहुत सारे ऐसे हैं कि नहीं भी गए होंगे तो आप लोग ब्लॉग मिल जाएगा, बहुत ही अच्छी सी जगह थी जहाँ हम गए थे। तो अभी बता दूंगी तो फिर आप लोग एक्साइटेड नहीं रहोगे वो ब्लॉग सब देखने के लिए, तो इसलिए मैं ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो चलो पहले इसको एडिट करके डाल देती हूँ, क्योंकि डेली ब्लॉग की ना यार बात ही अलग होती है। तो देखिए बात करते करते बन गया ब्रेड ऑमलेट, तो चलिए खा लेती हूँ और हस्बैंड के लिए भी बनाई। जैसे ही देखो टाइम कैसे निकल जाता है, जैसे मैं खाने बैठी ना 12 बजने में 10 मिनट बाकी है और अभी आप लोग से फिर से मिल रही हूँ। तो जैसे मैं ब्रेड ऑमलेट खाने बैठी ना, वो बगल वाली आंटी आ गई थी, फिर उससे बातें करने लगी और अभी फिर मैं याद आया कि ब्लॉगिंग कर रही थी यार, तो मेरा डिनर भी हो गया है। और ये देखो बाहर का नज़ारा, 12 बज रहे हैं और नज़ारा देखो बाहर का लाइट ही लाइट है। तो मैं इसे ना अंदर ले लूँगी स्टैंड को, क्योंकि ना कपड़े सब कुछ धोई हूँ ना, उसे कुछ डाल दूँगी बाकी है, तो इसको मैं अभी जो धोई थी ना उसको भी डाल दूँगी, तो सुबह तक वो ड्राई हो जाएगा, तो ये भी स्टैंड जो है ना खाली हो जाएगा। तो चलिए काम करते हैं। और कैसे मतलब कहीं से आओ नहीं यार, तो टाइम कैसे निकल जाता है कुछ पता नहीं चलता है। तो मेरे बहुत सारे काम ऐसे हो गए हैं और बहुत सारे काम, क्योंकि कल तो हॉस्टल पर आएगी नहीं तो कल भी मेरी बैंड बजने वाली है। अच्छा हुआ कि मैं आज से ही लग गई काम पे, तो वैसा ही होता है यार, जाओ इंजॉय करो और जब घर आओ तो फिर वही बैंड बजने वाली हालत हो जाती है। तो करना तो हमें ही है ना, क्योंकि घर तो हमें संभालना है, हमारे ऊपर ही पूरा डिपेंड करता है। कर दी हूँ, ये जाएगा फ्रिज में। तो आते टाइम ना ये कोकोनट वाटर सब ख़त्म था फ्रिज में, ये सब भी लेके आई, कुछ सब्जी लेके आई, फिर क्या बोलते हैं आम, कच्चा आम लेके आई हूँ। तो आप लोगों के साथ ना मैं सुबह उसकी चटनी शेयर करूँगी, मैं सोची अभी बनाऊँगी तो अभी शेयर कर दूँगी बट सुबह बनाऊँगी, क्योंकि ना अचानक से दिख गया यार, अभी ना कच्चा आम मिलना बंद हो गया है, बट जब मैं आ रही थी ना तो रास्ते मुझे अचानक से मिल गया और मैं लेके आई, और ये सभी ख़त्म था, जो सब ख़त्म था ना वो लेते हुए आई हूँ, क्योंकि ना कल अब बाहर निकलने का ना बिल्कुल ही मन नहीं करेगा, हुआ कितना रेस्ट करूँ, इसलिए जो भी याद था मुझे ये सब ख़त्म है तो वो सब साथ में ही देती ही आई हूँ। तो ये सबको मैं वॉश करके रख दी थी, अब ये ड्राई हो गया, इसको फ्रिज में डाल दूँगी मैं। धूप भी बहुत कड़क हो गई है। सो गाइस, आज का मेरा जो ब्रेकफास्ट है, कर्ड है, जैगरी पाउडर है एंड पोहा है, यही मेरा हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट है। तो कल सॉरी आप लोगों के साथ ना मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई, बहुत लेट हो गई थी, टायर्ड भी बहुत हो गई थी, इसलिए मैं आज मॉर्निंग से फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ ब्लॉग। तो आम की चटनी बनाने के लिए दे रही हूँ मैं, ये आम को काट के पहले अच्छी तरीके से धो ली हूँ, और यहाँ सूखी मिर्च को और ये 5 फोरन और जीरा को मैं रोस्ट कर दी हूँ, जितने सारे है ना ये रोस्ट किए हुए, इसको इसमें डाल दूंगी।
स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी पानी ताकि अच्छी तरीके से पिस जाए। अगर छोटी वाली जार है आपके पास तो पानी का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, बट मेरे पास छोटी जार जो है ना वो टूट गई है, तो मैं बड़ी जार में ही बनाती हूँ, इसे थोड़ा सा पानी ऐड करी हूँ। मेरी चटनी बनके तैयार है। अब इसमें हमें डाल देना है मस्टर्ड ऑयल बहुत सारा। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, जो ऊपर से मस्टर्ड ऑयल डालते हैं ना, इसका टेस्ट इस चटनी में खुल के आता है। तो इसे अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे। सो गाइज, आप लोगों के साथ मैं ये एक छोटा सा ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और पसंद आया होगा तो एक लाइक करके जाना। तो चलिए इस ब्लॉग को अब यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोग अपने नेक्स्ट न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। ये देखें चटनी बन के रेडी है, सभी अपने अपने काम पे लग चुके हैं। ये देखो सबका आना जाना, रोड बिजी, धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, जो भी हो, काम कोई नहीं छोड़ता है।